अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आप सब खैरियत हैं? तो ये चैनल मेरा सेकंड चैनल है, तो मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप एक ही काम सिर्फ मोबाइल पे ही कैसे कर सकते हैं। मतलब सारे जो काम हैं, पीसी के हो या जो भी काम हो, वो सारे के सारे आप मोबाइल पे ही कर सकते हैं और यूट्यूब पे अपलोड कर दें। तो उसके लिए मैं लाया हूँ तकरीबन ये 10 एप्लीकेशन है, और ये 10 एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। सिर्फ ये वीडमेट जो है लास्ट वाला, ये आपको गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको पहला एप्लीकेशन बताता हूँ, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा ऐप किलर। इसका काम ये है कि जो परमिशन ये अलाउ करना पड़ेगा, अभी तो मेरा नहीं हो रहा क्योंकि मैंने ये रिकॉर्डिंग लगाई हुई है। तो ये परमिशन आप अलाउ करके इसके बाद आप किल पे क्लिक कर दें। ये जो नीचे रेड कलर का किल ऐप लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर दें। तो इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि आपके जो बैकग्राउंड पे कुछ एप्लीकेशन होते हैं वो चलते रहते हैं, तो वो सारे बंद हो जाएंगे, आपका डेटा ज़ाया नहीं होगा और आप आसानी से स्पीड से वीडियो अपलोड कर सकते हैं और यूट्यूब पे वीडियो देख भी सकते हैं। तो इसका काम इतना ही है। उसके बाद आप जो वीडियो होती है आपकी, उसको सबसे पहले एडिट तो लाजमी करनी पड़ती है, तो उसके लिए आपको काइन मास्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो सबसे बेस्ट है। बाकी भी एडिट और सॉफ्टवेयर है, लेकिन सबसे बेस्ट मुझे काइन मास्टर लगता है। तो आपको काइन मास्टर भी डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। ये आप छोड़ दें, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसका क्या काम है, और ये VPN का भी लास्ट में बताऊंगा कि इसका क्या काम है। अच्छा, तो ये 6 नंबर पे जो एप्लीकेशन है वाटर रिमूव, इसका काम पता है क्या है? जो वीडियो आपने एडिट की है उसका वाटर मार्क आ जाता है काइन मास्टर का, तो वो आप इससे रिमूव कर सकते हैं आसानी से। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप पहले इस पे वीडियो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपको काइन मास्टर का वाटर मार्क नज़र आ रहा है, मतलब काइन मास्टर का तो नहीं, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि ये कैसे रिमूव करते हैं वाटर मार्क को। तो आपको काइन मास्टर के ऊपर इस तरह ले आना है, तो ये आ गया काइन मास्टर के ऊपर, और इसको सेव कर देना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, और ये आपकी वीडियो तैयार हो गई, और इसको चलो देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। ये देखिए, ये वीडियो जो मैंने अभी एडिट की है, देखिए ये बिल्कुल गायब हो गया, इसका वाटरमार्क मैंने रिमूव कर दिया, आपको नज़र आ रहा है। तो इसका काम इतना ही है। तो चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन कौन सा है? तो हाँ, रिकॉर्डर, ये जो एक्स रिकॉर्डर है, ये तो सबको पता है कि कैसे इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर नहीं पता तो कमेंट में बता दे, मैं इसके लिए भी वीडियो बना दूँगा कि ये कैसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। और दूसरा एप्लीकेशन वाइट स्टूडियो, ये तो आप लोगों को पता है कैसे इस्तेमाल करते हैं। और वाइट स्टूडियो का ये काम है कि आप जब वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो वाइट स्टूडियो पे आ जाते हैं, और वाइट स्टूडियो से आप इस पे हैशटैग वगैरह और डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं और थंबनेल इस पे लगा सकते हैं वीडियो पे। तो दूसरा एप्लीकेशन है वाइट स्टूडियो। इस टूल का मतलब इस टूल का काम यह है कि इस पे आप कोई भी वीडियो जो यूट्यूब पे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक यूट्यूब से एक वीडियो निकालता हूँ। अब ये यूट्यूब पे एक वीडियो है, यूट्यूब न्यू अपडेट वाइट स्टूडियो। अब इस पे पता है इसका क्या काम है वाइट टूल का? इसको कॉपी करें इसका लिंक और वाइट टूल पे आ जाए। तो वाइट टूल पे आएंगे तो ये आप पता है क्या करके देगा, ये
वाईटी टूल आपको टैग निकाल के देगा उस वीडियो से जिसका आपने लिंक कॉपी किया है, थंबनेल निकाल के देगा, कीवर्ड निकाल के दे सकते हैं, मतलब हर चीज़ आपको निकाल के दे सकता है। वही इस टूल का काम ये है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये गो पे क्लिक किया, ये देखिए सारे इसके टैग आ गए। डिस्क्रिप्शन कॉपी करना है तो ये कॉपी लिखा हुआ कॉपी डिस्क्रिप्शन, टाइटल इसका कॉपी कर सकते, थंबनेल इसका निकाल सकते। तो ये बड़ा बेहतर एप्लीकेशन है यूट्यूबर के लिए जो मोबाइल पे चलाते हैं, जो मोबाइल पे वीडियो बनाते हैं। और वीडमेट का पता है क्या काम है? वीडमेट का काम ये है कि आप जब कोई वीडियो आपको पसंद आती है यूट्यूब पे, तो आप यहाँ पे आ जाए वीडमेट पे। ये सबसे बेस्ट है, काफ़ी सारे डाउनलोडर हैं लेकिन ये मुझे सबसे बेस्ट लगा। तो यहाँ पे मैं लिंक पेस्ट करता हूँ, अभी जो मैंने लिंक कॉपी किया वहाँ से। अब देखे मैं यहाँ से पेस्ट करता हूँ, ये वीडियो आ गई। तो इसको ये आप लोग आसानी से यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑडियो हो HD जो भी वीडियो हो इसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे ये डाउनलोड दिखे हुए हैं, आप हाई क्वालिटी ये HD 720p और ऑडियो पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, MP3 जो भी आपको पसंद आए, तो इस पे आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि ये कैसे डाउनलोड करना है। वीडमेट मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तालेब से थंबनेल बना सकते हैं। ये सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है पिक्सल ऐप पे, आसानी से थंबनेल बन जाता है। कोई भी थंबनेल बनाना हो पिक्सल ऐप पे बना सकते हैं यूट्यूब के लिए। और सिक्योर VPN का क्या काम है? अगर आपके पास एक से ज़्यादा चैनल है, पहले एक चैनल को लॉगिन करें और इसको कनेक्ट करके आपने जो जिस चैनल पे वीडियो अपलोड किए उसी चैनल पे जाए, सर्च करें यूट्यूब पे और उस पर लाइक दे, कमेंट दे और वॉच करे, फिर आ जाए यहाँ पे कंट्री चेंज करे, फिर दूसरा चैनल लॉगिन करे, फिर अपने चैनल पे जाए जिस पे वीडियो अपलोड किए उसको वॉच करे, लाइक करे और कमेंट करे, तो इस तरह आपका वीडियो ग्रो भी करेगा। अब ये दूसरा एप्लीकेशन है थंबनेल, और इसका क्या काम है तो मैं इसका बताता हूँ कि ये क्या करते हैं। तो इसका काम ये है कि एक तो पिक्सल ऐप है और पिक्सल ऐप का भी यही काम है और इसका भी यही काम है, सेम टू सेम काम है इन दोनों का। तो आप लोग इस पे कवर भी बना सकते हैं यूट्यूब के लिए, और इस पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिए जाते हैं कि किस तरह का आपने थंबनेल बनाना है, कवर बनाना है, गेम के लिए बनाना है, किस के लिए बनाना है, काफ़ी सारे इस पे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। तो अगर आपको इस पे भी कुछ काम समझ में ना आए तो कमेंट में बता दें, मैं इसके लिए भी वीडियो बना दूंगा कि इस पे कैसे काम करना पड़ता है। ये सारे एप्लीकेशन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने, ये सारे आपने डाउनलोड करने हैं। और सबसे लास्ट एप्लीकेशन जो है वो मैं आपको बता दूं कि कौन सा है। वो पहले तो मतलब दो एप्लीकेशन है, एक तो यूट्यूब हो गया, वो भी मोबाइल में ही होते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे शो नहीं किया, वो तो पहले से मोबाइल में होते हैं। ये सारे जो एप्लीकेशन है ये डाउनलोड करने पड़ते हैं, और यूट्यूब हो गया और दूसरा है गूगल क्रोम। वो दोनों एप्लीकेशन हर मोबाइल में मौजूद ही रहते हैं। यूट्यूब एप्लीकेशन से तो आप सबको पता है वीडियो ही अपलोड करनी पड़ती है, बस यही काम है यूट्यूब एप्लीकेशन का। आप बस ये करें कि अनलिस्ट पे रखा करें, जब वीडियो अपलोड करें तो अनलिस्ट पे रखा करें, बाद में जब फुल एडिट हो जाए तो उसके बाद जो है ना उसको पब्लिक कर दिया करें। और गूगल क्रोम का क्या काम है, उससे आप प्ले लिस्ट पे अपलोड कर सकते हैं और आई बटन लगा सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन जो यूट्यूबर को पता है, आप लोगों को भी पता होंगे कि गूगल क्रोम क्या क्या ऑप्शन दिए जाते हैं वहाँ से। तो गूगल क्रोम का ये काम है, ये तकरीबन 12 एप्लीकेशन है, ये सारे आप लोगों को लाजमी यूज़ करने पड़ेंगे, उसके बाद आपकी वीडियो वायरल भी होगी और प्रोफेशनल भी नज़र आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन भी दबाएँ।
और नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर इंतज़ार करें। अल्लाह।